बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सअप बॉलीवुड। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने हाल ही में ऑफिशियली इस बात की अनाउंसमेंट की, मुंबई और महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर 2021 से थिएटर्स एक बार फिर रीओपन कर दिए जाएंगे। जैसे ही ये अनाउंसमेंट आई, बॉलीवुड के बहुत सारे बड़े डायरेक्टर और फिल्म मेकर्स ने अपनी अपकमिंग मूवीज की रिलीज डेट्स अनाउंस कर दी। महाराष्ट्र में थिएटर्स ओपन होना, स्पेशली मुंबई में, बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि फिल्म मेकर्स को इन स्टेट में थिएटर्स ओपन होने का काफी दिनों से इंतजार था। तो आइए जानते हैं बॉलीवुड की 15 ऐसी बड़ी अपकमिंग मूवीज की रिलीज डेट के बारे में। सूर्यवंशी। अक्षय कुमार और कटरीना कैफ स्टारर फिल्म सूर्यवंशी दिवाली वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर रिलीज की जाएगी। सैफ अली खान और रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म बंटी और बबली 2 19 नवंबर 2021 को रिलीज होगी। जॉन अब्राहम और दिव्या खोसला कुमार स्टारर सत्यमेव जयते 26 नवंबर 2021 को रिलीज होगी। अहान शेट्टी और तारा सुतारिया की फिल्म तड़प, जो कि तेलुगु की हिट फिल्म RX100 की रीमेक है, उसे 3 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया जाएगा। ये फिल्म मिलन लुथरिया द्वारा डायरेक्टेड है, जिन्होंने इसके पहले द डर्टी पिक्चर, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और भी कई फिल्में डायरेक्ट की हैं। रणवीर सिंह की स्पोर्ट्स ड्रामा, जो कि 1983 के वर्ल्ड कप में भारत की जीत का बयान करती है, ये फिल्म क्रिसमस वीकेंड पर रिलीज की जाएगी। इस फिल्म का डायरेक्शन कबीर खान ने किया है। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण, पंकज त्रिपाठी के साथ साथ बहुत से कई सारे स्टार्स इम्पोर्टेंट किरदार में नजर आएंगे। कबीर सिंह के बाद फैंस शाहिद कपूर की मच अवेटेड अपकमिंग फिल्म जर्सी देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं, और ये फिल्म 31 दिसंबर 2021 को रिलीज की जाएगी। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज 21 जनवरी 2022 को रिलीज होगी। आमिर खान की हाईली एंटिसिपेटेड वेंचर लाल सिंह चड्ढा, जो कि इसी साल क्रिसमस वीकेंड पर रिलीज होने वाली थी, उसे मेकर्स ने पोस्टपोन कर दिया है। और आमिर खान और करीना कपूर स्टारर ये फिल्म अब 14 फरवरी 2022 को रिलीज होगी। इस फिल्म को अद्वैत चौहान ने डायरेक्ट किया है। वहीं करीना के अलावा नागा चैतन्य फिल्म में अहम किरदार निभाते दिखेंगे। रणवीर सिंह की फिल्म जयेश भाई जोरदार 25 फरवरी 2022 को रिलीज होगी। अक्षय कुमार की मसाला एंटरटेनर बच्चन पांडे, जिसमें कृति सैनन और जैकलीन फर्नांडिस के साथ साथ अर्शद वारसी और पंकज त्रिपाठी काफी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे, इस फिल्म को 4 मार्च 2022 को रिलीज करने की प्लानिंग की गई है। इस फिल्म को फरहाद सामजी ने डायरेक्ट किया है। रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी शमशेरा को 18 मार्च 2022 को रिलीज करेंगे फिल्म के मेकर्स। कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी और तब्बू स्टारर हॉरर कॉमेडी भूल भुलैया 2 25 मार्च 2022 को रिलीज होगी। इस फिल्म को अनीस बज्मी ने डायरेक्ट किया है। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, रकुल प्रीत स्टारर फिल्म मेडे 29 अप्रैल 2022 को रिलीज होगी। इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस दोनों ही अजय देवगन ने किया है। टाइगर श्रॉफ की मूवी हीरोपंती 2, जिसे अहमद खान ने डायरेक्ट किया है, 6 मई 2022 को रिलीज होगी। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की मूवी रक्षाबंधन 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली है। वेल, तो ये थी बॉलीवुड की 15 ऐसी बड़ी अपकमिंग फिल्म्स और उनकी रिलीज डेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो कमेंट्स में हमें बताइए, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड।